हेलो गाइस, वेलकम है आप लोगों को एक न्यू एपिसोड में। पीसी बिल्डिंग सिमुलेटर का गेम हम खेल रहे, ठीक है। सो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। पीसी के स्क्रीन पर चलते हैं और सबसे पहले मेल्स देखेंगे, ठीक है। तो हमारा सबसे पहला मेल्स है डायग्नोज एंड फिक्स, दूसरा ऑर्डर है रिप्लेस द मदरबोर्ड, और तीसरा ऑर्डर है हमारे पास पीसी कैन प्ले द फ्यूडल फैंटेसी, ठीक है, रिकमेंडेड स्पेसिफिकेशन के साथ। तो हम पीसी जो है वो सेट करेंगे रिकमेंडेड स्पेसिफिकेशन के साथ। तो हम चलते हैं नेक्स्ट डे पर, ठीक है। सो हम एंड डे पर क्लिक कर देते हैं और ये जो हमारा डिलीवरी है, ठीक है, ये नेक्स्ट डे पर हमारा आएगा। ओके गाइस, सो हम नेक्स्ट डे पर आ चुके हैं, ठीक है। सो हम पहले पीसी को पकड़ते हैं और देखते हैं इसमें क्या है। तो इसमें है पीसी कैन प्ले फ्यूडल फैंटेसी। सो हम उसमें देखेंगे कि इसमें कौन सा जो है पार्ट्स कम है, ठीक है, ताकि वो हम लगा सके। सो हम विल एट्रॉन को जो है इंस्टॉल कर देते हैं, पीसी को जो है वो रिस्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तब तक हम जो है दूसरे पीसी को लाते हैं और इधर रख देते हैं, ठीक है। इसमें क्या, इसमें है रिप्लेस द मदरबोर्ड। ओके, सो ये तो इजी है, ये कर देते हैं। तो हम केबल को जो है वो डिस्कनेक्ट कर देते हैं, रैम्स को डिस्कनेक्ट कर देते हैं, केबल को डिस्कनेक्ट कर देते हैं और फिर मदरबोर्ड को, ठीक है। सो हम देखते हैं अपने इन्वेंटरी में मदरबोर्ड को। तो ये आप लोग देख सकते हो, ये जो है मोटोनी का मदरबोर्ड है और ये ब्रोकन है, ठीक है। सो हम अपने शॉप पर जाते हैं और मदरबोर्ड, सो ये रहा, ये आप लोग देख सकते हो हमारा इन्वेंटरी में जो है एक पड़ा था। तो हम इसको एक टुकार्ड कर देते हैं और सेम डे डिलीवरी पर क्लिक कर देते हैं, ठीक है। सो चलते हैं अपने पीसी पर और मदरबोर्ड को जो है वो इंस्टॉल कर देते हैं। प्रोसेसर को जो है वो इंस्टॉल करेंगे। हमारा प्रोसेसर इंस्टॉल हो चुका है और इसके ऊपर जो है थर्मल पेस्ट और सीपीयू कूलिंग इंस्टॉल हो चुका है। अब रैम जो है हम इंस्टॉल करेंगे, ग्राफिक्स कार्ड भी है इनका। सो ये रहा, ग्राफिक्स कार्ड भी इंस्टॉल हो चुका है, ये आप लोग देख सकते हो, रिप्लेस द मदरबोर्ड। ओके, सो इनकम्प्लीट केस है। तब तक हम जो है पीसी को ऑन कर देते हैं, पीसी बूट करते हैं और साइड पैनल जो है वो लगा लेते हैं, ठीक है, दोनों साइड का। ये आप लोग देख सकते हो, पीसी कैन बूट टू एस रिप्लेस इन द डिलीवरी एरिया। तो हम इस पीसी को जो है वो डिलीवरी एरिया पर रख देते हैं। इसमें देखते हैं कि इसमें यार क्या कमी है इस पीसी में, ये है, ठीक है, रिकमेंड स्पेसिफिकेशन के साथ। ओके, सो रैम इसमें जो है 8 GB है और हमें ज़रूरत है 16 GB का, ठीक है। प्रोसेसर जो है इसमें AMD रेजन 5 6 कोर है और हमें ज़रूरत है AMD रेजन 7 8 कोर। ग्राफिक्स कार्ड जो है AMD रेडियन RX 570 और इसमें MSI रेडियन R9 280 का, ठीक है। सो हम ये सब जो है वो चेंज करेंगे इसमें। सो हम अपने पीसी पर आते हैं, इसमें विलेट्रॉन को देखते हैं, ठीक है, और फ्यूडल फैंटेसी रिकमेंडेड स्पेसिफिकेशन। तो हम इन चीज़ों को जो है वो रैम को बाय करेंगे और सीपीयू प्रोसेसर को और ग्राफिक्स कार्ड को, ठीक है। तो हम शॉप पर जाते हैं, देखते हैं इसमें कितना रैम था, इसमें जो है 8 GB, तो हम 8 GB और रैम जो है वो बाय करेंगे, ठीक है। सो मेमोरी इसमें, इसका बजट जो है वो कितना है ये देखेंगे, एक $1,000 जो है इसका बजट है, ठीक है। ओके, 16 GB हमने ऑर्डर किया, ठीक है। और इसमें क्या है, इसमें देखेंगे कि हम जो है इस प्रोसेसर का ज़रूरत है, तो हम प्रोसेसर कौन सा है ये सर्च करेंगे। ये आप लोग देख सकते हो, ये वाला है AMD रेजन 7 8 कोर 1700। तो हम इसको भी टू कार्ट कर देते हैं। और तीसरा हमारे पास जो है वो ग्राफिक्स कार्ड की ज़रूरत है, टू कार्ड कर देते हैं, सेम डे डिलीवरी। ये रहा हमारा ग्राफिक्स कार्ड। ओके, सो अब हम इसको जो है वो चेंज करेंगे ग्राफिक्स कार्ड। सबसे पहले ग्राफिक्स कार्ड को चेंज 570 का, ठीक है। इसका भी रैम जो है 4 GB का है, असूस रॉग का जो है RX 570। ओके, सो ये हमने इंस्टॉल कर लिया है। अब हम जो है इंस्टॉल करेंगे प्रोसेसर, ठीक है। सो प्रोसेसर भी हम इसको रिमूव कर देते हैं और कौन सा, ये AMD रेजन 7 8 कोर जो है हम इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। इसके ऊपर थर्मल पेस्ट लगाएंगे और सीपीयू कूलिंग जो है वो लगाएंगे। मेमोरी को जो है वो इंस्टॉल करेंगे।
एक इनका अपना था और एक हम जो हमने बाय किया, ये आप लोग देख सकते हो। पीसी कैन प्ले फ्यूडल फैंटेसी। ओके, सो हमारा कंप्यूटर जो है वो रेडी हो चुका है और हम पीसी को जो है वो ऑन कर देते हैं और साइड पैनल को जो है वो लगा लेते हैं। ठीक है, प्लेस इन द डिलीवरी एरिया। फिर भी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ये देख लो आप। रिकमेंडेड स्पेसिफिकेशन के साथ ये यू है जो है हमारा सब कुछ इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है, सो हम पीसी को जो है वो इधर रख देते हैं और चलते हैं अपने तीसरी पीसी पर, डायग्नोज एंड फिक्स। तो हम जो है अपना यूएसबी ड्राइव इंस्टॉल करेंगे और देखेंगे यार कि क्या मसला है। सो हम पीसी को ऑन करेंगे, इधर देखते हैं कि क्या एरर आ रहा है हमारा। नो सीपीयू फाउंड एयर, ये आप लोग देख सकते हो, एरर नो सीपीयू फाउंड। ठीक है, तो हम साइड पैनल को लगा लेते हैं, पीसी को ऑफ कर देते हैं और अनप्लग मदरबोर्ड और एयर कूलर को जो है वो अनइंस्टॉल कर देते हैं। हम लोग देखेंगे प्रोसेसर का मसला होगा, ये आप लोग देख सकते हो, AMD रेजन 5 क्वाड कोर। तो हम 5 6 कोर, क्यों ना हम इसी को ही इंस्टॉल करें, एक हमारे पास था। ठीक है, सो ये आप लोग देख सकते हो, डायग्नोज एंड फिक्स। डायग्नोज जो है हमारा फिक्स हो चुका है। ठीक है, इसके ऊपर जो है हम थर्मल पेस्ट लगाएंगे और सीपीयू कूलिंग फैन जो है हम इंस्टॉल करेंगे। ओके, अब हम पीसी को जो है वो बूस्ट कर देते हैं, साइड पैनल लगा लेते हैं, आप लोग देख सकते हो। अच्छा, मिसिंग केबल है तो हम ये, ओके, हमने केबल को जो है वो कनेक्ट कर लिया। आप दोबारा से पीसी को ऑन कर देते हैं। ठीक है, देखते हैं। अच्छा, ये आप लोग देख सकते हो, रेडी टू बूट, प्लेस इन द डिलीवरी एरिया। हम डिलीवरी एरिया पर इसको रख देते हैं और अपने जो ऑर्डर जो है वो कलेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पहला ऑर्डर था, इसको कलेक्ट कर लिया है हमने। ये रिप्लेस मदरबोर्ड वाला था और ये डायग्नोस फिक्स वाला था। ओके गाइस, सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और साथ में बेल आइकन को भी दबाएं। ठीक है, सो अगर किसी का जो है क्वेश्चन हो, कोई सवाल हो, ठीक है, तो कमेंट ज़रूर से करें, मैं ज़रूर जवाब दूंगा, रिप्लाई दूंगा। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, अल्लाह हाफिज़।